हो गया। इस नंबर बीच में सबसे बीच गलती में करने में पेंट थोड़ा हिल डुल जाता है, मालूम है ना, अपने अंदर जो है ना भीतर से कुछ आवाज आती है गलती करते समय, तो वो पेंट का हिलना डुलना जो है वो हो जाता है। क्या गलती किया है आपने बताइए जरा मुझे। सर नंबर नंबरिंग करने में गलती हुआ है सर। नंबरिंग करने में, चूंकि आप बीच में उसको डाल रहे थे, फोर्जरी के लिए आप जाइएगा, यू आर कमिटिंग फोर्जरी टू कम आउट ऑफ दिस केस एंड इट इज अपेरेंट रिट लार्ज ऑन द रिकॉर्ड। सर एक्सरे रिपोर्ट का भी है सर। पुलिस पुलिस डॉक्टर एवरीबॉडी इज इन लीग विथ ईच अदर। You are not following the judgment of the court. You are not following the order of the CGM. What kind of police you are working here? समझते हैं क्यों कोर्ट को बुलाना पड़ता है आप लोगों को? अब समझ में आ रही है बात? आपको पता नहीं होता कानून क्या है, यही प्रॉब्लम है। क्या गड़बड़ हुई है उसमें बताइए मुझे, छिपाइएगा नहीं, जितना छिपाइएगा उतना आप सर एक्सरे एक्सरे फंसते चले जाइएगा। वही नंबर लिखा हुआ है एक्सरे, उसमें क्या गलती हुई है, पेन में क्या गलती हुई है आपकी? ऊपर से नंबर जो लिख रहे थे डॉक्टर 3680 लिखे थे, 3681 इसको 82 लिखे हैं, 36 उसको 3 जैसे लिखा गया है। हाँ। फिर उसमें 33 कर गया, फिर करेक्शन करके 85 86 कर देगा, करेक्शन बाद में पता चला तो करेक्शन किया है। ठीक है, अब जरा दूसरा रजिस्टर दिखाइए मुझे, तीन पेशेंट दूसरा रजिस्टर दिखाइए मुझे। एक्सरे का रिपोर्ट है, वही नंबर उसमें भी रीड हुआ है सर, उसी डेट लाइए लाइए दिखाइए जरा। और रिसीव किए हैं दीपक द्विवेदी सर, नंबर वही है सेम, वो गलती से कर दिए हैं। What does it mean? CR का मतलब क्या हुआ? Emergency register है sir. CR, CR. Chest X-ray लिखा हुआ है. What is this CR? Chest X-ray. CXR होता है chest X-ray. और इसमें दीपक नंबर है, इसमें ये है. क्या है 36 है 32 नंबर. Where is the report of this X-ray? एक्सरे का रिपोर्ट सर उसी में रिसीव किए हैं ये दीपक। आप रिपोर्ट मुझे बताइए ना, वेर इज, आप अपने रिकॉर्ड में कुछ तो रखते होंगे। नहीं है सर रिकॉर्ड में, वो एक्सरे नहीं है ना। नहीं है सर, एक्सरे रिपोर्ट लेके पेशेंट चले गए, उसमें रिसीविंग है सर। इसका मतलब रिसीविंग है सर। तो आपने एक्सरे रिपोर्ट उनको जो दिया उसकी कोई कॉपी आप नहीं रखते हैं? एनजीओ का था सर, एक्सरे एनजीओ का था, उस वक्त एनजीओ कराती थी एक्सरे, उसी का रिकॉर्ड रहता था, वही हॉस्पिटल वहां पर प्रोवाइड करते थे फैसिलिटीज। ये रजिस्टर से, सुनिए जरा धीरे धीरे चलिए, ये रजिस्टर से कहां दिख रहा है कि ये उन्होंने रिसीव किया है? आगे सर मेंशन, उसी लाइन में सर, लास्ट में, लास्ट में क्या है मेंशन? दीपक द्विवेदी लिखा हुआ है। तो हमने दस्तखत कहीं कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमने रिसीव कर लिया? ये तो इसका मतलब हुआ कि जिसका आपने किया उसका आपने सिग्नेचर लिया। दिस रजिस्टर ओनली शोज कि जिस पेशेंट का आपने एक्सरे किया उसका सिग्नेचर या आपने उसका अंगूठे का निशान लिया। इस रजिस्टर में कहीं एक लाइन भी आप मुझे दिखा दीजिए कि ये रजिस्टर जो है वो जो रिसीव करता है उसके सिग्नेचर को दिखा रहा है कि ये रिसीव किया इसको। केस बनाइएगा तो बनता चला जाएगा, कचहरी में आने के बाद जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को फिर बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं समझ रहे हैं? ये रजिस्टर में कहीं आप मुझे एक विस्पर दिखा दीजिए कि दिस रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड शोइंग द सिग्नेचर ऑफ द पर्संस हु हैव रिसीव्ड द रिपोर्ट। लीजिए अपने वकील साहब की मदद लीजिए थोड़ी, कोर्ट को मत मिसलीड कीजिए।
कहीं आप दिखाइए कोई कॉल्यूम जिसमें आपने लिखा हो प्राप्त किया और उसके नीचे इन्होंने दस्तखत किया हो। एनजीओ का है, एनजीओ। आप अगर किसी कॉलम में लिख देते हेडिंग में प्राप्त करता, ठीक है सर, समझ गए बात? ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे होता है कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन। एनजीओ का है सर। एनजीओ का हो कि आपका हो, आपका एनजीओ है ना, आपने काम दिया है उसको, आपने अपॉइंट किया है उसको। तो देखिए धीरे धीरे कितनी बातें निकल के आ गई। पहली बात, FIR नहीं लॉज हुआ बाय द मजिस्ट्रेट हु वाज डेप्टेड ऑन द स्पॉट। मिस्टर खान, यू विल एडमिट इट और नॉट? 100% एडमिट। सो योर मजिस्ट्रेट हु वाज डेप्टेड ऑन द स्पॉट, ही डिड नॉट लॉज FIR ऑन 13/10/16। द SDO हु हैड गिवन परमिशन टू गो विद द मार्च, ही मेक्स ए फॉल्स स्टेटमेंट इन द FIR बिना अनुमति के। थर्ड चीज, आफ्टर 6 months यू आर अरेस्टिंग दिस पिटिशनर इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ, ही वॉज ब्रूटली असोल्टेड। CGM ऑर्डर्ड यू फॉर हिज मेडिकल एग्जामिनेशन। In the name of medical examination, you did nothing. You have one register to show कि उसका chest X-ray कराया गया था। You do not have the report of that chest X-ray. You have no material to show that the chest X-ray was received by him. There is no other injury report in your hand, in your register. The register has not been prepared giving correct serial number. So what should be done? I want to know you. I know from you, Mr. Superintendent of Police. These are the things which have surfaced now. Now tell me. Sir, I would like to bring 2 points, sir. Yes, please. Where this this procession was being done by the accused, that is very sensitive place, sir. And it has the history of communal disturbances. That is the mixed population. And the charge was, sir has rightly pointed out that permission was granted, but in the FIR it is written without permission they were. That is a wrong statement, sir. And you admit that to that extent there is a wrong statement in the FIR, sir? That to that extent, sir. Yes, to that extent. Yes, sir, I accept it, sir. You accept it, sir. So a senior officer like SDO. Did an SDO of the Gopalganj is making a false statement in the FIR? Say yes or no, sir. Proceed further, sir. The force or officers that were deputed. The magistrate was deputed. Sir, why the magistrate did not lodge FIR then and there? Why the magistrate did not lodge FIR then and there? Any answer? Why the SDO went other day, sir, the next day to lodge FIR? Sir, if sir will permit, I will inquire into it and then will come. You will have to, sir. You will have to. The law, देखिए कानून में देरी हो सकती है, sir. लेकिन nobody is above the law. ये बराबर मैं कहता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का. लेकिन जो एनआरकी प्रिवेल कर रहा है ना, आपकी जो मर्जी होती है आप वैसे ही करते हैं. कानून को आप चाहते नहीं है कि उसको हम रूल करने दें. क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसीलिए है कि आप उसको वायलेट करते रहें? व्हाई दिस ऑफिसर शुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन व्यू ऑफ डीके वासुस जजमेंट? व्हाई दिस ऑफिसर शुड नॉट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इन कंटेम्प्ट? आई मीन कोर्ट इज एट पेन इन लुकिंग इन टू ऑल दीज एपिसोड्स विच आर हैपनिंग. यू हैव बीन कन्फर्ड विद सर्टेन पावर्स, नॉट फॉर misusing those powers, sir. You have come here to serve the people. Each one of us has to play their role in this society making, and this is how you are making this society: registering a false FIR, not obeying the judgment of the Honorable Supreme Court, not obeying the order of the CGM.
what you are giving to the people. FIR, to that extent, that information is wrong, sir. Wrong, yes. But that is very important, that false information is coming from whom? Sir. From such a responsible officer, like SDO. Sir. SDO, I believe, if I am correct. Sir. He is a member of the Indian Administrative Service. State, sir. Bihar Administrative Service. He was promoted from a state service. Sir, SDO generally are from Bihar Administrative Service. From Bihar Administrative Service. Sir. So they are holding responsible position. I mean, if you start making false statement to implicate a citizen of the country, the resident of your local area. Sir, they were creating communal disturbance, sir. They are making hate speeches. Sir, aisa hai, dekhi. Mr. Superintendent of Police, please don't make any statement just without any basis there. If there any communal harmony was disturbed, sir. On 13/10/16, why your magistrate did not lodge FIR then and there? What prevented him from lodging the FIR? And why FIR was lodged on the next day making a false statement? These are the circumstances clearly showing that you are making a false case against a person who is demonstrating against your police officers, because your police officers had taken his party worker in custody and he was harassed, tortured in police custody. So he was demonstrating. So aapne kaha theek hai, ab tumko bhi sabak sikhate hain. Tum neta ban rahe ho to tumko sabak sikhate hain. This is how the police will react. Sir. अगर आप इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो लोगों का क्या होगा? Then nobody will raise his voice, and that too in this democratic manner, after taking permission from your competent officer. आप एक भी केस हुआ कम्युनल हारमोनी का वहाँ डिस्टर्बेंस का 13 तारीख को कम्युनल, लेकिन 16 में हुए हैं केसेस सर. I am not concerned with that because of his demonstration, sir. And this demonstration was against the police atrocity. Sir. Please try to understand. It was not for any communal disharmony create karne ke liye nahi tha. Sir. It was against the police action. How come this sampradayik? Aap har cheez mein jo hai, jab kisi ko kuch phasana ho to ek sampradayik sadbhav ki baat kar dete hain. Aapne is FIR mein likha hota, koi sampradayik sadbhav ki baat nahi hui wahan. Wahan koi ghatna nahi ghati. कोई आपके पास रिपोर्ट नहीं है कि हाँ उसने क्या बोला, इसके लिए कोई सांप्रदायिक घटना घट गई? आपका बोनाफाइड ही नहीं दिख रहा है इसमें. और इंजरी रिपोर्ट भी आपने नहीं दिया सीजीएम के ऑर्डर के बावजूद. अरेस्ट भी आपने किया आफ्टर 6 मंथ्स. बोलिए क्या करें अब. आई एम विलिंग टू. सर एक और पॉइंट है सर. हाँ बोलिए. सर जब अरेस्ट इनको किया गया था सर, at that time this para number 672, sir, station diary of town PS, yes. of 22nd February 2017, yes. mention hai sir ki pakadne ke dauran bhi wo bhagne ki koshish kiya aur us dauran unko chote lagi. Ye to common hai aapka. To har accused jab bhagne lagta hai to wo kahin se kood jata hai, kahin kisi ko chot lag jati hai, jail mein jab mar jata hai police custody mein, to aap kehte hain doctor ko khada karke ke sahab usko sui dene mein chhatpataya to bed se gir gaya to uska सर फट गया और मर गया. ये सब कहानी मत बनाइए एसपी साहब. ये कहानी अब बिल्कुल स्टीरियोटाइप आ रहा है हर केस में. पुलिस कस्टडी में जितने भी टॉर्चर्स हैं, अभी रिसेंटली आई हैव डायरेक्टेड फॉर वन इंक्वायरी इन मैटर दैट ए प्रिजनर इन जेल वाज ब्रूटली असॉल्टेड. हिज होल बॉडी इज कैन बी सीन having severe injuries on different parts of his body, and then this court was informed ki usko to sui lagane mein wo chhatpataya, gir gaya bichhavan se, mar gaya. Darbhanga ka hai jail custody. Abhi usme diya nahi inquiry ke liye. Abhi diya nahi, abhi to report manga gaya. Report manga hai, wahi kaha hai ki uska wo sab report lagi. To ye jo aap bolte hai na ki bhaga aur bhagne mein gir gaya aur chot lag gaya, ye kahani kab tak chalegi? Aap ye bataiye mujhe. आपने पहले जजमेंट पढ़ा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का? डीके बासु जजमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं सर. नहीं पढ़ा है ना, तो आप कैसे एसपी रहिएगा? जब आप
पढ़ा ही नहीं, जजमेंट ही नहीं पढ़ा आपने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 1997 में रिपोर्टेड है, आपने अरनेश कुमार पढ़ा? पढ़ा है सर। अरनेश कुमार पढ़ा है? जोगिंदर कुमार स्टेट ऑफ यूपी पढ़ा? नहीं पढ़ा। आप ऐसा कीजिए, जरा दोनों जजमेंट पढ़ करके आइए मेरे पास। आई एम गिविंग यू 1 आवर टाइम। आई टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एजुकेट यू। नो नो मिस्टर खान, ही हैज नॉट स्टडीड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। व्हाट काइंड ऑफ एसपी इज ही इफ ही डजंट नो द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट? हाउ कैन ही एडमिनिस्ट्रेट पुलिस सर्विस? क्या हम जजमेंट्स लिखते हैं इसीलिए? हम इसीलिए जजमेंट्स लिखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर्स कभी पढ़े ही नहीं उसको? आप इनको पढ़ा करके लाइए मेरे पास एक घंटे बाद। सर हम इसमें एक बात कहना चाह रहे थे, इसकी जितनी क्वेरी थी उन्होंने इसका डिटेल हम इनसे खुद लेना चाहते हैं। हम इनसे पहले बात जो है ना हम ऑर्डर करेंगे, इनको पहले डीके बासु जजमेंट जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इफ आई एम करेक्ट, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1349 एंड डीके बासु जजमेंट 1977 1 SCC 416 जो भी है दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है एपेक्स कोर्ट ने कि साहब जहां वायलेशन होगा ये गाइडलाइंस का 416 वहां हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द ऑफिसर्स। 215 तक कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल, 215 क्या 415 में भी सुनेंगे, लेकिन मुझे एसपी साहब को जरा एजुकेट भी करना है। ये जाएंगे एसपी हैं जिला के, इनको कमान दिया गया है और ये पढ़े ही नहीं है तो ये कमान क्या संभालेंगे? फिर फीस कर लेंगे। आइए ना।